सरदार शहर के 14वें नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में आज राजकरण चौधरी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज पदभार राजकरण चौधरी ने ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भंवरलाल शर्मा मौजूद रहे और राजकरण चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के साथ उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल व समस्त पार्षदोंगणों ने आज कार्यभार ग्रहण किया है। समारोह पूर्वक हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भंवरलाल शर्मा मौजूद रहे और इसी श्रृंखला के अंदर निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा पिंचा व जीते हुए वो हारे हुए समस्त लगभग जो पार्षद व पार्षद उम्मीदवार थे वो मौजूद रहे। इसके साथ व्यापारी भी भारी संख्या के अंदर मौजूद रहे। राजकरण चौधरी ने ये वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर सभी पार्षदों ने उपाध्यक्ष व अध्यक्ष राजकरण चौधरी और अब्दुल रशीद चाहिल का स्वागत सम्मान माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर किया और साफा पहनाकर भी विधायक भंवरलाल शर्मा का स्वागत किया गया। विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि गरीब को गणेश मानकर सेवा करनी चाहिए और गरीब को गणेश मानकर सेवा करने से ही जनता का आशीर्वाद बना रहता है, जैसा कि विधायक भंवरलाल शर्मा पे लगातार जनता का आशीर्वाद बना हुआ है। भंवरलाल शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से नगर पालिका बोर्ड अच्छा रहेगा और उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम नगर पालिका अध्यक्ष से राजकरण चौधरी पर नकेल डालने में हिचक महसूस नहीं करेंगे। महानुभाव सारी बातें नवनिर्वाचित चेयरमैन ने आपको बता दी, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि विकास कार्यो में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी और विकास के लिए आर्थिक संकट नहीं आएगा। ये तो खाली आपसे पूछ ही रहा हूं, बाकी पैसे राजगिरी बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती है, खेल दिवालिया हो जाते हैं, रात को भी दिवालिया नहीं होता, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। विकास कार्यों में आपको जो पैसे की जरूरत पड़ेगी हर समय पैसे उपलब्ध होंगे। और रही बात विकास की, जो घोषणा पत्र में हमने बात लिखी है हर इस महोत्सव में लिखी है, निश्चित तौर से चेयरमैन की टेबल पर मौजूद रहेगा और जो आयोजन उन्होंने किए हैं उनको निश्चित तौर से पूरा करेंगे। मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ सरकार की संस्था का जिसने 45.47% वोट देखे मैं बोल रहा हूँ भोजन का, बीजेपी को मिले 35% वोट, जिसमें से भाजपा जी ने मिले वो वोट हमारे, मुंशी जी डाक जीत लिए वो वोट हमारे, भाई शमसुद्दीन और शमसुद्दीन के सामने चुनाव लड़े थे वो दोनों वोट हमारे। इस प्रकार जितने भी वाले हैं उन वोटों को जोड़ा जाए ना तो उनको भी करीब 8-9% वोट लोअर होते हैं। और पंचायत समिति में भी सरदार सर की सरकार ने 19 लाख वोट डाला दिए, होता है आज जिसमें आज कांग्रेस है अगर बीजेपी आ गई, आज बीजेपी है अगर आज कांग्रेस आ गई, ये तो अदलाबदली रहती है। और निश्चित तौर से बोर्ड में जो काम करने की क्षमता है वो दिखानी चाहिए और किसी प्रकार की कोताही नहीं करें। मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूं, जिस दिन नगर पालिका सरकार से अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आ जाएगी उसी दिन चेयरमैन को कह दिया जाएगा कि घर जाओ, उसके बाद लेता हूं क्यों कि राजनीति आजीविका का साधन नहीं होता। राजनीति आजीविका का साधन होते तो मेरे 5-8 करोड़ रुपया फिर नहीं रहता, मैं भी 35 साल का एम एल ए हूं। तो निश्चित तौर से जन सेवा की भावना से आप लोगों ने इनको चुना है, इसलिए मैं पिताओं के पिताओं पार्षदों से पार्टी लाइन से हटके और शहर के विकास में सब एक है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सारे सारे पार्षद एक है कि भेदभाव नहीं होगा, झूठ के कार्य निश्चित तौर से पूरे होंगे। भी संबोधन देते हुए सबको याद किया और सभी को विश्वास दिलाया कि आपने जो चुना है वो सोना है और आपने जो टीम राजकरण चौधरी को दी है उस टीम के साथ सरदार शहर का कायाकल्प करने में किसी प्रकार की हिचक महसूस नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे और नहीं
डिगेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्षद जो यहाँ मौजूद है वो अपने आप को हारा हुआ न समझे, सब मिलकर काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के काम करने का उन्होंने आह्वान किया। और उन्होंने कहा कि विधायक भंवरलाल शर्मा व अनिल शर्मा टीम पर जो सरदार सर की जनता ने विश्वास करके जो बहुमत दिया है उसका सम्मान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे विधायक जी व मेरे पिताजी ने गरीब की सेवा करना सिखाया था, जिसका परिणाम ये है कि आज ये दोनों स्वस्थ है। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मोहनलाल जी 91 वर्ष की उम्र लेने के बाद भी आज दुनिया में मौजूद है। मोहनलाल जी भी इस जो ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए ये मौजूद रहे, और उन्होंने देखा कि जिस नगर पालिका में वो खुद चेयरमैन रहे थे उसी नगर पालिका में उनके सामने उनका बेटा आज नगर पालिका अध्यक्ष की शपथ ले रहा है, काफी भावुक क्षण रहा। हमारे विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब, पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष मेरे पिता तुल्य प्रभाकर जी जोशी साहब, पिछले पांच सालों में मेरी अध्यक्ष रही मेरी बहन सुषमा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र जी श्राफ, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन सिनेमा निसर जी, मेरे सीनियर और आदरणीय बशीर जी खोकर साहब, मदन सिंह जी, हमारे ईओ साहब और मेरे छोटे भाई अब्दुल बशीर चाचा जी, यहां इस ऐतिहासिक पल में उपस्थित सभी मेरे टीम के चुने हुए पार्षदगण और हारे हुए, मैं नहीं लूंगा नाम क्योंकि वो अपने आप के हारे हुआ नहीं समझे, हम बिना किसी भेदभाव के और काम करके दिखाएंगे, इसलिए उपस्थित सभी हारे हुए पार्षदगण और शहर की जनता ने जो हमारे नेताजी भंवरलाल जी शर्मा और मेरे भाई अनिल जी शर्मा में जो विश्वास व्यक्त करके जो ये बहुमत हमें दिया है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी कसौटी पे खरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे सेवा करना मेरे नेताजी ने सिखाया और मेरे पिता श्री मोहनलाल जी चौधरी के से मुझे विरासत में यही सीखने को मिला कि अगर गरीब की सेवा करोगे तो निश्चित रूप से फल पाओगे। उसी का परिणाम है कि आज हमारे नेताजी एकदम हमारे मौजूद हुआ और मेरे पिता 91 साल के होके भी आज इस दुनिया में है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब जो टीम हमारी बनी है और जनता ने जो हमसे उम्मीदें लगाई है, हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र भी जारी किया है। राजगढ़ ने कहा कि हम घोषणा पत्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, विधायक जी का आदेश है कि घोषणा पत्र है वो अपनी टेबल पर लगा ले और हर 7 दिन में विधायक जी को घोषणा पत्र में की गई प्रगति के बारे में अवगत करवाएंगे। राजकरण चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मचारी हमारी सेना है और मैं स्वयं सेना के साथ सुबह 6 बजे से लगातार रहूंगा और शहर के विकास कार्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और शहर का कायाकल्प करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। सहयोग किया है कि आप कभी आगे देखो 6:15 बजे मेरी पूरी सफाई कर्मचारियों की फौज यहाँ मौजूद मिलेगी और ये मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा और पिच पर हम साथी जीत के हैं, बिना किसी भेदभाव के सफाई बिजली में मैं विश्वास दिला दूं सबको कि बेहिचक हो गया भाव सफाई बिजली में कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। ये मैं मेरे विश्वास में नहीं, हमारे सरपरस्त नेता श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा के विश्वास में कहता हूं, जिन्होंने हमें यही सिखाया कि सेवा करो, इसलिए कोई भ्रम में नहीं रहे। और जो आशा और आपने हमें जताई है, मैं मेरी टीम अनिल शर्मा की टीम के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी हम इस शहर को कायापलट करने का हर संभव कोशिश करेंगे। इसके साथ राजगण चौधरी ने 100 दिन की कार्य योजना के बारे में बताया, जो काफी महत्वपूर्ण है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने सरदार सर के विकास के लिए भी अपनी नई योजना, नई रीतियां और नीतियां भी बना ली है। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है, 100 दिन के अंदर काम करके जनता के बीच में जाएंगे और जनता अगर हमें कमी लगे तो बेहिचक हमारी आलोचना करे। इसके साथ उन्होंने कहा कि नगर पालिका में एक शिकायत पेटिका लगाई जाएगी, जिसके अंदर आप अपनी शिकायत डालें और आपकी शिकायत को एकदम गंभीरता से लिया जाएगा और आपकी शिकायत का समाधान करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष की
जो नई टीम है वो एकदम प्रतिबद्ध रहेगी और की गई शिकायत का गंभीरता पूर्वक निदान करेंगे। इसके साथ एकल खिड़की योजना के बारे में, एक नई योजना के बारे में उन्होंने बताया कि एक खिड़की बनाई जाएगी जिसके अंदर आप समस्त तमाम प्रकार की शिकायतें और आवेदन वहां पे कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई शिकायत और आवेदन के लिए आपको एक रसीद दी जाएगी, उसमें यह बताया जाएगा कि आपका जो चाहा गया आवेदन है और जो दस्तावेज है वो आपको अमुक तारीख को मिल जाएगा और अमुक तारीख का मतलब अमुक तारीख ही होगा। आपको जो रसीद मिलेगी उसमें टाइम होगा और आपका काम समय पे होगा, इससे बार बार चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी। निश्चित रूप से दो महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिया गया काम समय पर करना हमारी होगा और 55 पार्षदों को साथ में लेकर चलेंगे और बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे और शिकायतों का सम्मान व समाधान करने के लिए राजकरण चौधरी ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं। और एक और बता दूं, इसी घोषणा पत्र में से हम कुछ करीब काम जो अति मुख्य है उनको निकाल के एक 100 दिवसीय कार्य योजना हमारी टीम बना रही है जिसकी घोषणा हम सोमवार को करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 3 महीनों में 100 दिनों में वो काम करके वापस आपके बीच आएंगे। अगर हम कहीं गलत करें बेहिचक आप आलोचना कीजिए, कोई शंका शर्म की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम गलत लगे, हमसे गलती भी हो सकती है, तो उसको कृपया एक शिकायत पेटी हम नगर पालिका में रखाएंगे, उस शिकायत पेटी में आप अपनी शिकायत डालिए, दूर से भी उसका निवारण हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा कदम हम ये उठाने जा रहे हैं, नगर पालिका में एक एकल खिड़की की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आम आदमी मैंने देखा है 5 साल में राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र के लिए एक एक महीने तक चक्कर लगाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊं 3-4 दिन में एकल खिड़की में स्थापित करने जा रहे हैं। किसी को नगर पालिका के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी अधिकारी के घोड़े निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा हक है। आप वो अपना प्रार्थना पत्र उस खिड़की में दीजिए, आपको एक रसीद मिलेगी और उस रसीद पे आपको बार फिक्स मिलेगा कि ये कागजात फलाने दिन आपको मिलेगी। और उसी दिन अगर वो कागज आपको नहीं मिलता है तो कृपया आप मुझे शिकायत करें, मेरे उपाध्यक्ष को शिकायत करें, मेरे किसी साथी पार्षद को शिकायत करें, हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। जनता को कम से कम हमारी नगर पालिका के चक्कर लगाने पड़े, इस प्रकार का हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। सदन में आपने भेजा है वो सारे के सारे आज कार्यभार ले रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नगर पालिका के छोटे मोटे काम तो रोजमर्रा के पहले भी होते हैं, अब भी आगे भी होंगे। हमारे पास जो सशक्त नेतृत्व है विधानसभा में है, उस नेतृत्व के भरोसे हम ये कह के जाते हैं कि राजस्थान की कोई भी मॉडल स्कीम होगी उसमें सरदार सर अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा, ये विश्वास मैं मेरे नेता के भरोसे आपको दिला के जाता हूँ। मैं एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने टीम अनिल शर्मा पे विश्वास व्यक्त किया और हम आपके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम पूरे शहर को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम 32 पार्षद ही नहीं, 55 पार्षद इस शहर के विकास के लिए दिन रात एक करके जो हम वादे और इरादे लेकर चुनाव में आए थे वो सभी हम पूर्ण करेंगे। दूसरी बात, शहर के विकास के अंदर बहुत सी बातें हैं, जैसे ये नगर पालिका का चुनाव था, आप सभी जानते हो इस चुनाव को हम दिल्ली या जयपुर ले जाना चाहते हैं वो कभी संभव नहीं है। ये चुनाव पर तो धरातल में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था और हम विश्वास दिलाते हैं कि नगर पालिका के संबंधित जो भी काम होगा, चाहे वो सड़क का हो, नाली का हो, झाड़ी का हो, खाड़ी का हो, रोशनी व्यवस्था का हो, चाहे सफाई व्यवस्था का हो, चाहे शहर के सौंदर्यीकरण का हो, वो हम सभी पार्षदगण मिलकर 100 दिन से कार्य योजना बनाएंगे और उस कार्य योजना के अंतर्गत 100 दिन में वो काम करके दिखाएंगे और शहरवासियों को ये पता चलेगा कि वाकई में हमने एक योग्य और एक सुयोग्य जनप्रतिनिधि को इस पद पर बिठाया है। मैं पुनः सरदार शहर की जनता का पूरे टीम राजीव शर्मा और अनिल जी शर्मा की तरफ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम पर विश्वास जताते हुए पूर्ण बहुमत के साथ नगर पालिका कांग्रेस की बनाई है और शुभकामनाएं अध्यक्ष भाई राजकरण जी चौधरी और उपाध्यक्ष अनिल अब्दुल रशीद जी चायल को भी बहुत बहुत पूरे शहरवासियों की। राजकरण चौधरी के पिता मोहनलाल चौधरी के समय सरदार शहर सफाई व्यवस्था के मामले में अव्वल रहा था, जो हम सबको याद है। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए राजकरण चौधरी ने आज आगाज किया है कि वो सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारियों के साथ खुद
चलेंगे और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि रोज जो हमारी सेना सफाई कर्मचारी है उनके साथ 6 बजे मैं शहर का भ्रमण करूंगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात बताई कि सब्जी मंडी के अंदर खराब और गंदी सब्जियां फैलने से गंदगी फैली रहती है, उसके निदान के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो खाली होगी वो सब्जी मंडी के अंदर खड़ी की जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की कि शहर को साफ सुथरा बनाने में आप भी हमारा योगदान दें। उस खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जो सब्जी व्यापारी है वो खराब और गली सड़ी सब्जियां उस ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर डाले और ट्रैक्टर ट्रॉली भरे जाने के बाद में उसे शहर से बाहर खाली करवा दिया जाएगा, जिससे हमारी सब्जी मंडी भी साफ सुथरी रहेगी। उन्होंने कहा कि गंदे पानी की निकासी की जो योजना है इस पर प्राथमिकता के साथ और गंभीरता के साथ काम किया जाएगा, जो शहर की प्रमुख समस्या है। उन्होंने कहा एक आदर्श नगर पालिका को रोल मॉडल नगर पालिका बनाने के लिए जो योजना हमने बनाई है उस पर हम 12 घंटे से ज्यादा काम करेंगे। लेकिन सफाई व्यवस्था जानते हैं, उसके लिए मैं भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब तक जनता का सहयोग हमें नहीं मिलेगा, चाहे मैं हो, चाहे चेयरमैन सुषमा जी हो, चाहे कोई और आगे आएगा, जब तक आमजन का सहयोग हमें नहीं मिलेगा किसी सूरत में यह कार्य पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाएगा। सब्जी मंडी के लिए हमने व्यवस्था की है एक खाली ट्रॉली ट्रैक्टर की, हम उस गली में खड़ी करवाएंगे। और सब्जी मंडी के व्यापारियों से मैं खासतौर से कहना चाहूंगा कि जो भी गंदी सब्जियां हैं आप उस ट्रॉली में डालिए, सड़क पर मत डालें। सड़क पर डालने से वो नालों में जाती है और नाले अवरुद्ध होते हैं। वो ट्रॉली जब भर जाएगी हमारा ट्रैक्टर ले जाएगा, उसको बाहर डाल जाएगा और वापस ट्रॉली खाली नहीं करेगा। कृपया आप हर आमजन से मैं अपील करूंगा कि शहर को स्वच्छ बनाने में आप हमारा सहयोग करें और हम सुबह 6:30 बजे लेकर रात 11 बजे तक आपको गांधी चौक में खड़े मिलेंगे, मेरे पिता मिले और जब तक मैं मरूंगा और मेरे नेताजी का आशीर्वाद रहा, मेरे विधायक महोदय का आशीर्वाद रहा, मैं आपको पूरे 12 घंटे यहाँ खड़ा करूंगा। इसी आशा के साथ आप बधाई, आपने हमारा इतना पुरजोर स्वागत किया जिसकी कोई प्रशंसा मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं आप सबका बहुत 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 आभार हूँ प्रकट करता हूँ। और आपकी कसौटी पे खरा उतरने का मैं और मेरी टीम भाई राजेश हंसराज सब मिलके और इस टीम को सशक्त बनाके और आपको काम करके दिखाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भाई राजकरण जी। मेरी पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद साहिल जिन्हें बबलू के नाम से जाना जाता है कार्यक्रम में मौजूद रहे। अनिल शर्मा भी पूरे कार्यक्रम के अंदर डटे रहे और अनिल शर्मा की ओर से भी अब्दुल रशीद साहिल और राजकरण चौधरी द्वारा कहा गया कि टीम अनिल शर्मा के जो वादे किए गए हैं वो हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। कार्यक्रम के अंदर पार्षद और पार्षद प्रत्याशी, व्यापारी और आम नागरिक उपस्थित रहे। सबकी आंखों में एक ही आस दिखी कि पालिका का जो नया बोर्ड है वो सुराज स्थापित करे। कार्यक्रम का संचालन सीनियर पार्षद राजेश पारिक ने किया।